हेलो गाइस, आज की वीडियो में कुछ इस तरह के फोटो एडिटिंग आप लोगों को सिखाने वाला हूँ लाइटरूम की मदद से, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरह की वीडियो एडिट करने फोटो एडिट करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरी देखना होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने लाइटरूम ऐप में। चलिए, मेरा लाइटरूम में फ़ोटो ऐड हो चुका है। मैं इस फ़ोटो को क्लिक करता हूँ। तो लाइट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, -10 पर रख लेते हैं। हाईलाइट को भी थोड़ा सा माइनस कर देंगे, -1 कर देते हैं। शेडो को भी थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, -33 पर रख लेते हैं। वाइट्स को माइनस कर देंगे, -38 पर। ब्लैक को इंक्रीज कर देंगे, -46 पर। उसके नीचे चले जाएंगे, कलर वाले आइकन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, टेम्पलेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, 10 पर रख लेते हैं। टिंट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, -10 कर देंगे, +10। वाइब्रेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 10 पर कर देते हैं। मिक्स वाले टूल पर चले जाएंगे, यहाँ पर देखिए मिक्स पर क्लिक करेंगे, रेड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेंगे, -1 कर देते हैं। ल्यूमिनेंस को भी इंक्रीज कर लेंगे, -33 पर रख लेते हैं। ऑरेंज वाले कलर पर जाएंगे, सैचुरेशन को माइनस कर देंगे, -23 पर रख लेते हैं। ल्यूमिनेंस को इंक्रीज कर लेते हैं, -98 पर। येलो वाला कलर पर जाएंगे, ह्यू को माइनस कर लेते हैं, -56। सैचुरेशन को भी इंक्रीज कर लेते हैं, -34 पर। ल्यूमिनेंस को इंक्रीज कर लेते हैं, -8 पर। ग्रीन वाले कलर पर चले जाएंगे, ह्यू को माइनस कर लेते हैं, -100। सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेते हैं, -95 पर। ल्यूमिनेंस को भी थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, -15 पर। ब्लू वाले कलर पर चले जाएंगे, ह्यू को माइनस कर लेते हैं, -15 पर रख लेते हैं। सैचुरेशन को भी इंक्रीज कर लेते हैं, -62 रख लेते हैं। ल्यूमिनेंस को भी माइनस कर लेते हैं, -12 पर। यहाँ से इसको डन कर लेते हैं। इफेक्ट्स पर जाएंगे, टेक्सचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, -13 पर। डिटेल को क्लियरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, -18 पर रख लेते हैं। डिहाइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, -16 पर रख लेते हैं। विग्नेट को माइनस कर लेते हैं, -51 पर रख लेते हैं। मिड पॉइंट को भी थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं, फेदर को थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं, -31 पर रख लेते हैं।
नीचे डिटेल पर चले जाएंगे, शार्पिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, नॉइज रिडक्शन का भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, 20 रख लेते हैं, कलर नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, 6 पर रख लेते हैं, स्मूथनेस का भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, 58 कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे फोटो को इस तरह की एडिटिंग हो चुकी है। तो यहाँ से इसको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ सेव टू डिवाइस पर क्लिक करेंगे, और ये आपकी फ़ोटो सेव हो रही है। तो यहाँ ओके क्लिक कर देंगे और आपकी फ़ोटो सेव हो चुकी है।